हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बनाना से फेस पैक बनाना बताऊंगी। ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्किन को वाइटन और ब्राइटन करने में। तो सबसे पहले आपको लेना है एक बनाना और उसको पिल ऑफ कर लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है और फिर इसका पेस्ट बना लीजिए। बनाना में विटामिन ए या विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है जो स्किन से ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट को हटाता है और स्किन टोन को लाइटन बनाता है और साथ ही इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है और कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। तो चलिए देखते हैं इस फेस पैक को कैसे बनाना है। तो एक कटोरी में आपको लेना है बनाना पेस्ट एक चम्मच और उसमें ऐड करना है एक चम्मच दही, एक चम्मच हनी और एक चम्मच नींबू का रस। इन सबको मिक्स करना है अच्छे से। अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन टोन को लाइटन और ब्राइटन करता है। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है। लेमन जूस में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है जो डार्क स्पॉट को लाइटन करके स्किन को फेयर बनाता है। ये फेस मास्क आपके स्किन टोन को धीरे धीरे फेयर और ब्राइटन बनाएगा और पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा। इसे अप्लाई करके ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और जब ये ड्राई हो जाए तो इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। फेयर स्किन पाने के लिए इस फेस मास्क को वीक में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं। इससे आपकी स्किन बहुत ही जल्दी ग्लोइंग और फेयर बनेगी। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।